इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। आपको बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर रहेंगे, एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। दोपहर 1:20 पर पहुंचेंगे जहां सेजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बदायूं दौरा है, इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करते आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 1:20 पर वो पहुंचेंगे वहां पर और सेजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार कि आज बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर अगर टाइमिंग्स की हम आपको बताएं तो 1:20 फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि जिस समय वो पहुंचेंगे वहां पर, जहां पर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करते भी वो नजर आएंगे। सेजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का आज शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी सौगात देते हुए जिस तरीके से लगातार विकास किया जा रहा है, उस बीच ये एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ हमारे साथ आज जानकारी के लिए बदायूं से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नियाजी खान। नियाजी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि 1:20 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जनपद बदायूं के दातागंज विधानसभा क्षेत्र के सैजरी में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, और वही 1:20 में योगी आदित्यनाथ जी अपने हेलीकॉप्टर द्वारा ये वहां पर पहुंच के उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएससी महिला बटालियन भवन का भी ये निरीक्षण करेंगे और वहीं 44 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, और उनकी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा ये पुलिस बल भी ये तैनात है, और वहीं आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, रात ही से जायजा ले रहे हैं मिनट पर के व्यवस्थाओं को लेकर, और वहीं काफी ज्यादा उत्साह लोगों में भी ये नजर आ रहा है। वहीं अयोध्या में राम प्रारंभ ये प्रस्ताव के बाद वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनपद बदायूं में पहली बार आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करते नजर आएंगे, तो इसको लेकर लोगों को क्या कुछ कहना है, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं इससे? लोग सबसे ज्यादा ये अब तो उनके आने का ही इंतजार है, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बड़े मैदान में ये पंडाल लगाया हुआ है, और वहां पर सबसे ज्यादा ये लोगों की भीड़ उमड़ रही है अभी से ही। अगर मैं बात करूं तो योजनाओं की, तो योजनाएं जो है एक बदायूं के लिए एक बड़ी एक नई सौगात दे ये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिसको लेकर जो ये पराली वगैरह हुआ करती थी, लोग अपने खेत में जला दिया करते थे, अब उनका भी उनको ये पैसा मिलेगा, जिसमें 350 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों के लिए सबसे ज्यादा ये राहत ये मिल रही है, और वहीं इस योजना से काफी ज्यादा ये किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। जी, तो यानी कि जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते भी नजर आएंगे, इसी के साथ आपने जैसे कि बताया कि लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि जितनी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं उसको लेकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी, सबसे ज्यादा ये लोग ये काफी ज्यादा ये खुश नजर आ रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो एक कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। जिस तरीके से गन्ने की पराली हुआ करती थी, धान की ये पराली हुआ करती थी, कि ये किसान अपने खेत में जला दिया करता था, जिसकी वजह से ये वायु ये प्रदूषण ये फैला करता था, और वहीं अब देखा जाए तो एक्चुअली ये प्लांट की वजह से वहीं अब 300 रुपए पराली क्विंटल पर ये किसानों को मिल रहा है, और वहीं किसानों के लिए सबसे ज्यादा इसका लाभ पहुंच रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी खान आपका जानकारी के लिए।